Guys, welcome to Transpondon. My name is Momita Mishradas and you are welcome to the new episode of Hoya. Yes, Hoya. तो चलिए शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं. ये है होया किरी और आज मैं लेके आई हूँ इसका पूरा फैमिली. इसका पूरा फैमिली. इसको कलेक्ट करने में मुझे बहुत मुशक्कत करनी पड़ी है. तो चलिए लेके चलते हैं आपको इसी की शहर पे. तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. और वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो आपको मिस हो सकता है. क्योंकि अगर प्लांट के बारे में आप जानेंगे नहीं तो खरीदेंगे कैसे. जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और अगर आप मेरे चैनल में पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं इससे. इसका नाम है होया किरी नॉर्मल. ये किरी नॉर्मल है. इसमें ग्रीन ग्रीन है पत्ते पे, बस कोई स्लैश नहीं है, कुछ नहीं है. इसको बिल्कुल नॉर्मल कहते हैं. पर इसका लीफ का शेप हार्ट जैसा है तो हम लोग हार्ट लीफ किरी भी कहते हैं. तो अगर वैलेंटाइंस डे पे आपको लगता है कि अपने लवर को कुछ ग्रीन गिफ्ट करना है तो आप ये वाला गिफ्ट कर सकते हैं. देखिए कितना स्लैशी ग्रीन है, बहुत अच्छा लगता है. ऐसा पूरा ग्रीन एकदम देखने में बहुत अच्छा लगता है. तो गाइस ये गया नॉर्मल वाला और आप इसके रूट्स देख सकते हैं. मैंने इसे नॉर्मल वाटर में ग्रो किया है क्योंकि ये जब आई थी तब इसमें रूट रॉट था और मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया वाटर पे, तो ये वाटर में ही ग्रो होना चालू हो गई. तो जब अच्छी तरह से ग्रो हो रही है तो क्यों इसे झंझट में डालना. तो ये ग्रो होने लगी वाटर में. तो वाटर में भी प्लांट ग्रो हो सकते हैं, बस जस्ट इसमें हाइड्रोपोनिक फर्टिलाइजर 1 ड्रॉप डाल देती हूँ, बस ये ठीक रहता है. बस इसको कुछ की जरूरत नहीं है. तो ये रहा होया किरी. तो अब चलते हैं दूसरे प्लांट की ओर. वो है इस फैमिली का होया किरी पिक्टा. ये है पिक्टा. अब इसका वेरिएशन आप अंदर की तरफ देख सकते हैं. आउटर लेयर में यहाँ पे ग्रीन और अंदर लाइट येलो, बिल्कुल लाइट सा है. ये काफी दिनों से ग्रो हो रहा है पर इसमें कोई येलो पैचेस नहीं आ रहा है. पर आप देख सकेंगे कि बहुत ही लाइट सा इसमें येलोइश है. तो पिक्टा में वैसा तो दिखता है पर शायद इसको और टाइम लगे इसमें कलर को आउट होने में, तो इसमें टाइम लग रहा है. पर ये प्लांट मेरे विशलिस्ट में बहुत दिनों से था और मैंने इसे बहुत ही शिद्दत से पाल लिया है. अगर आप शिद्दत से कोई चीज़ चाहो तो खुदा भी आपको मिलाने में का साथ देता है. तो साथ मिल गया तो ये मिल गया मुझे. कभी कभी बॉलीवुड के डायलॉग भी डाल देती हूँ मैं. तो ये रहा पिक्टा. और ये नॉर्मल कोको चिप्स में ग्रो हो रही है तो इसको मैंने हटाया नहीं, जैसे आया था वैसे ही है. क्योंकि हटाने से, अगर आप हटाएंगे किसी चीज़ मीडियम में ग्रो हो रहा है तो हटाएंगे तो उसमें रॉटनिंग आ सकता है. होया बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है और वैसे भी गर्मी है बहुत, तो गर्मी में तो रिपोर्टिंग बिल्कुल ही नहीं, कुछ नहीं, ना फर्टिलाइजर ना रिपोर्टिंग. ऐसा लग रहा है बाहर 45-50 डिग्रीज है, अंदर तो चलो काफ़ी ठंडा है पर बाहर बहुत ही गर्मी है. तो ये गया सेकंड फैमिली का सेकंड मेंबर. अब आते हैं तीसरे मेंबर के और. तो ये रहा वो तीसरा मेंबर. इसका नाम है किरी रिवर्स वेरिएटेड. अब रिवर्स वेरिएटेड क्यों है, दिख रहा है ना, वेरिएशन बाहर की तरफ है. तो ये बड़ा ही सुंदर देखने में प्लांट है और इसको इसको भी ढूंढने में बहुत शिद्दत लगी है. पहले दो थे मेरे पास, दोनों ही
भगवान की कृपा से उनके पास चले गए। तो मैंने ये तीसरा प्रयास के लिए तीसरा वाला खरीद लिया है। क्या करें, अपने आप को रोक तो पाएंगे नहीं, तो ढूंढ ढांढ के निकाल लेते हैं कहीं से मिलता है तो। तो ये रहा फैमिली का तीसरा मेंबर, और ये देखिए जिसमें आया था उसी में बैठा हुआ है। जब तक इसमें अच्छी सी ग्रोथ ना आ जाए तब तक इसको चेंज करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है प्लांट के लिए, तो इसी में बैठा है। अब बताइए ये हम लोग वैलेंटाइंस डे पे दे सकते हैं ना? ऐसा एक काम करते हैं, वैलेंटाइंस डे पे हम लोग ये जो पूरा फैमिली है ये अपने लव्ड वन को गिफ्ट कर सकते हैं। देखने में बड़ा सुंदर है और जिसको देंगे उसका मन पूरा भर जाएगा। देखना मेरे हार्ट में कितना कितने कितने सुंदर से कलर है। तो ये गया रिवर्स वेरिएटेड फैमिली का तीसरा मेंबर, और अब चलते हैं फोर्थ एंड लास्ट वन। तो चलिए दिखाती हूं मैं ये कौन सा प्लांट है लास्ट वाला, और ये है किरी स्प्लैश। यस स्प्लैश। अब ये स्प्लैश ऐसे क्यों बोला मैंने, क्योंकि सच में बहुत ही सुकून देने वाला है आंखों के लिए। देखो देखो कितना सुंदर है। तो ये वाला मुझे मिला है लीका में लगा हुआ, तो जैसे मिला वैसे ही मैंने रखा है, क्योंकि अगर मैं इसको हटाऊंगी किसी भी दूसरे मीडियम में तो हो सकता है मैं इसे खो दूं। और ये प्लांट गाइस बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही एक्सपेंसिव। तो मेरे तो रूह कांप जाती है अगर एक प्लांट को दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करूँ तो, क्योंकि हो सकता है कुछ हो जाए तो गया मेरा पूरा फैमिली खराब हो जाएगा। फैमिली मेंबर को मैं नहीं खो सकती कुछ भी हो जाए। तो ये रहा होया स्प्लैश किरी, और इसमें भी खासियत वही है हार्ट शेप्ड लीफ एंड स्प्लैशेस, और तो और इसमें फ्लावर्स भी बहुत सुंदर से आते हैं। तो फ्लावर्स तो अभी किसी में नहीं आया है, वैसे बाहर गर्मी भी बहुत है तो फ्लावर तो अभी होया में थोड़ा कम दिखता है। स्प्रिंग में फ्लावर्स होया में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि स्प्रिंग में तो आपको पता है बहुत ही सुंदर सा मौसम होता है। तो ये रहा लास्ट वन इन द फैमिली। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पास कौन कौन से होया है, और आपको कौन सी होया की ज़्यादा चाहत है बताना मत भूलना। और अगर आपको ये प्लांट्स कहाँ से मैंने लिया है आपको अगर पता करना है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी डेस्टिनेशन कहाँ से लिया है। वैसे मैंने जैसे कहा कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो हाँ गाइस बहुत ही एक्सपेंसिव है प्लांट्स अभी, और आपको शायद सुनाई पड़ रहा है यहाँ पर ठकर ठकर हो रहा है, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास वाले जो रूम है उसमें किसी ने खरीदा है और वो अपना इंटीरियर कर रहा है, तो सॉरी। टाटा बाय बाय, शबा खैर फॉर दिस वीडियो, और लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब तक के लिए